नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं पल्लवी पटेल को लेकर। जी हां, पल्लवी पटेल इस बार के लोकसभा चुनाव में उनको बड़ा झटका लगा। 22 प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद भी वो जीत नहीं दर्ज कर पाती। वहीं देखा जाए तो इस बार जो समीकरण बदले हैं कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के हाथ से जाते हुए नजर आए हैं। अब ऐसे में 20 से 25 मिनट तक योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी, तब वो साफ तौर पर इनकार कर देती है। कहती है कि सिराथू के कार क्षेत्र को लेकर मुलाकात हुई थी, ना कि पार्टी में शामिल होने को लेकर। वहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर दिया था, केशव प्रसाद मौर्य का जो रुझान था वो उनकी तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, पार्टी में बगावत देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ के ऊपर केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से हावी होते हुए दिखाई दिए, क्या ये 20 से 25 मिनट की मुलाकात पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आया? क्या पल्लवी पटेल योगी आदित्यनाथ के लिए वो जरूरी कड़ी बन गई, या फिर अब पल्लवी पटेल अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होती है तो आखिरकार वो पार्टी होगी कौन सी? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ पल्लवी पटेल जाती हुई नजर आ सकती है, या मायावती की तरफ कई बार पल्लवी पटेल का रुझान देखने को मिला, क्या मायावती की तरफ फिर से पल्लवी पटेल अट्रैक्ट होती हुई नजर आएंगी? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद ने जब से एंट्री मारी है, ऐसे में कहा जा रहा है कि अब बीएसपी को एक नया आयाम मिल सकता है, एक कहीं ना कहीं एक नई राह मिल सकती है, जिससे आने वाले दिनों में अपनी सीटों पर इजाफा किया जा सके। हालांकि मायावती ने पिछले चुनाव में जिस तरीके से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों पर दाव लगाया था, उसका कोई फायदा उनको देखने को नहीं मिलता, और जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि अब मायावती मुस्लिम प्रत्याशियों पर दाव नहीं चलेंगी, क्योंकि उन्होंने ये बात खुलकर कह दी थी कि वो जो उनको हार का सामना करना पड़ा उसका जो मेन रीजन है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रत्याशी है जिनकी वजह से वो हारी है। अगर यही बात निकलकर सामने आई कि अब मायावती मुस्लिम प्रत्याशियों के ऊपर कम से कम दाव लगाएंगी, वसीम वकार उस पर कमेंट करते हैं बार बार, ये बात कहते हैं कि मायावती जी आपने टिकट बेचा था, आपने टिकट दिया नहीं था, इस तरीके की बात आप ना करिए, और आने वाले दिनों में कोई भी प्रत्याशी आपकी पार्टी से चुनावी मैदान में नहीं उतरेगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं वसीम वकार जनता से भी अनुरोध करते हुए नजर आए कि अगर मायावती जी को ऐसा लगता है तो वो उनको वोट ना दे और कोई भी प्रत्याशी बीएसपी सीट से खड़ा ना हो। हालांकि इस बार के जो उपचुनावी समीकरण है, मायावती उपचुनाव में पहली बार दांव चलती हुई नजर आ रही हैं, गठबंधन के वो तरफ भी जाते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन वहीं पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन करेंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अगर मायावती पल्लवी पटेल को साथ लेती हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ लेती है, तो जाहिर तौर पर दलित वोट बैंक उनके साथ आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इन पार्टियों को भी फ्यूचर में इतना ज़्यादा फायदा होने की संभावना नहीं है अकेले चलते हुए, तो वहीं अगर सब साथ में आ जाते हैं, जैसे इंडिया गठबंधन ने इस बार अपना परचम और जीत दर्ज की, ऐसे में अगर मायावती भी छोटे छोटे गुटों को साथ लेती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जिसमें पल्लवी पटेल का नाम, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम खुले तौर पर आ सकता है। वहीं अगर देखा जाए बृजभूषण शरण सिंह भी पार्टी से नाराज है, मायावती अगर उनको साधने का प्रयास करती है तो शायद उसका फायदा उनको मिलता हुआ भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये समीकरण किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मायावती इस बार अपना दमखम दिखा पाएंगी, क्या पल्लवी पटेल मायावती की पार्टी में शामिल हो जाएंगी, ये तो बड़ा सवाल है ही, साथ में ये भी है कि पल्लवी पटेल को अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, और वो अगर किसी पार्टी का दामन नहीं थामती है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। हालांकि अब वो ओवैसी के साथ अभी भी गठबंधन में है, गठबंधन तोड़ा नहीं है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं तोड़ती है तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में नुकसान देखने को मिला वो आगे आने वाले चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।